हेलो माय क्यूट फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल कुछ न्यू। तो आज हम बनाने वाले हैं ये नेकलेस बिना किसी हेड पिन या वायर या आई पिन के। चलिए करते हैं स्टार्ट। बिल्कुल, चीज के सहारे सर्कल काट लीजिए, ऐसे ही ढेर सारे सर्कल काट ले अपनी नेक के हिसाब से। अब ग्लू या फेविकोल से स्टोन चिपका ले। हमें टोटल 9 स्टोन चिपकाने हैं। आप चाहे तो पूरे गोलाई में स्टोन चिपका सकते हैं। ऐसे ही सभी स्टोन लगाकर तैयार कर लें। मैं स्टोन स्टिक करती हूँ, तब तक आप मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस की छोटी सी झलकियाँ देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया मिले कि आपके इस कुछ न्यू चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो आ गई हूँ अपने में पूरे सर्कल में स्टोन स्टिक करके। तो हमारे पास जो नॉर्मल धागा होता है ना, उसमें मैंने कुछ पर्ल बीट को इंसर्ट कर दिया है और धागे को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। मैंने यहाँ टोटल 9 बीट्स का यूज़ किया है। आप चाहे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग आपको 9 बीट्स ही यूज़ करने चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट साइज़ है। क्योंकि जब हम इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, बल्कि एक हैंगिंग वाला लुक देंगे। मैं इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ, उसमें ज़्यादातर ज़्यादा वेस्ट चीज़ों का या ऐसी चीज़ों का यूज़ करना प्रीफर करती हूँ जो आपके मार्केट में अवेलेबल भी हो और लो प्राइस में भी मिल जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ हेड पिन या आई पिन का यूज़ नहीं किया। आप चाहे तो कनेक्ट करने के लिए हेड पिन या आई पिन का यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है। मिरर ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, तो मैंने भी एक मिरर ज्वेलरी या मिरर झुमकी बनाई है। अगर आपको जानना है कि ये मिरर झुमकाज मैंने कैसे बनाए हैं, तो उसकी लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लेना। और ऐसे ही सारी वीडियोज़ की एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसकी लिंक भी मैं आई बटन पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हमें इन सर्कल को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। इसके लिए भी मैंने जंप रिंग या किसी भी वायर का यूज़ नहीं किया है, बल्कि ऐसे थ्रेड का यूज़ किया है। पहले हमें पूरे जो हमने सर्कल रेड किए हैं वैसे हमें नेक के अकॉर्डिंग इसे सेट करना है और ऊपर से ग्लू लगा कर धागे को स्टिक करते जाना है। मैंने यहाँ जो कार्डबोर्ड के सर्कल पीछे स्टिक किए हैं, आप चाहे तो इसकी जगह फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हीं सर्कल को गोल्डन कलर देके भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, आप करना चाहे तो करें या फिर ना करें, क्योंकि ये पीछे के साइड है तो वो ऐसे भी शो नहीं होने वाला। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।